कोट अदू दायरा दीन पना एहसानपुर और गिर्दोनवाह में आटे का बहरान दोबारा से शुरू। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम अफसरान से मुतालिबा किया है कि आटे का बहरान खत्म करें, वरना हम रोड पर अपनी बीवी बच्चों समेत एहतजाज करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं सादिक खान से। जी सादिक खान, बताइए क्या कहना है इलाका मकीनों का। बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट अद्दू के नवाही इलाके एहसानपुर में मौजूद हूँ। यहाँ आटे का बहरान दोबारा से शुरू हो चुका है और यहाँ के जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि 3 दिन से आटा हमें नहीं मिल रहा। दुकानदार जो हैं वो आटा लेकर आते हैं और आगे ब्लैक पे बेच देते हैं। मज़ीद जानते हैं इलाका मकीनों से। पाकिस्तान इतने आटे का बोरान है, एहसानपुर तहसील कोटदू बड़े परेशान हैं। अस त्रीजी चौथे दिन मारे आटा का नहीं। हुकूमत मेहरबानी करे, आटा देवे। इतना एक दुकानदार को 20 बंदा को देना, 200 बंदा गरीब कितना मजे। असा गरीब आवाम बाले कुक रोड से घर गया हूँ। मेहरबानी करे हुकूमत आटा देवे। असा ये जो दलीलों खुआ रहे क्या खाऊँ। असा 400 साली जाली होंगी थे, 1000 रुपये दिया था किलो, 15 किलो वाली थैली। असा गरीब आवाम भूखे मरते पाए। मेहरबानी करे हुकूमत तावन करे, एहसानपुर तहसील कोट दुआ मेहरबानी की वजे आटा दिता वजे। बहुत असा परेशान है, रोड से फिर रोज घर वाल में ताको आटा नहीं मिलता। असा हूँ बाले को रोड से भी लेने पाए, बिया सारे कोई चारा का नहीं। मेहरबानी करे, ये कैजी हुकूमत है? हर हुकूमत ये आटा दे दी आई। ये हुकूमत कैजी है जो कोई इंतजाम का नहीं आटे दे। हर आवाम भूखी मरती पी है, यानी कि आवाम जिमें आखा है कि नवा ही हुआ थी, एक मकसद है वो नवा आ गए। गरीब आवाम को मरे ने पाए। मेहरबानी करे, चंगी तब्दीली आई है जो गरीब आवाम मरती पी है भोग को। मेहरबानी करे हुकूमत सारे नाल भरपूर तावन करे, आटा देवे। मेहरबानी करे जी। इलाका मकीनों का कहना था ये कैसी तब्दीली आई है जो आवाम भूख से मर रही है। हमें 400 दिहाड़ी मिलती है जबकि दुकानदार हमें कहते हैं कि आप पहले सौदे लें, हम बाद में आपको आटा देंगे। बराए मेहरबानी के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि आटे का बहरान ख़त्म किया जाए। जी जी बहुत शुक्रिया सादिक खान तफसीलात से आगाह करने का।